ध्यान से देखिए एक पुलिस चौकी के बोर्ड को, मैं यहाँ से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पॉजिटिव चीज़, पुलिस चौकी झालाना तहत थाना गांधीनगर, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और जयपुर में हूँ मैं अभी, राजस्थान में, फरवरी महीना है, भाजपा की यहाँ पे सरकार है। पॉजिटिव चीज़ें ये है कि यहाँ के पुलिस चौकी में जो है यार्ड होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक यार्ड है जहाँ पे पुलिस चौकी अगर कोई गाड़ियों को गिरफ्तार करती है, गाड़ियों को सीज करती है, गाड़ियों को पकड़ती है, तो अपना प्रॉपर यार्ड में डाल सके, सड़कों पे नहीं। बिहार में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस चौकी या पुलिस थाना जो है गाड़ियों को पकड़ के जो है सड़कों पे ही छोड़ देता है। ये हो गया पॉजिटिव चीज़। बिहार के थाने में भी ये व्यवस्था होना चाहिए, चौकी में ये व्यवस्था होना चाहिए कि अगर शराब की गाड़ी या मोटरसाइकिल या कुछ भी पकड़े, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ वर्तमान समय में, तो वहाँ पे जो है इस प्रकार का यार्ड होना चाहिए ताकि जो है प्रॉपर तरीके से गाड़ियों को रखा जा सके। आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है रख दिया गया या फेंक दिया गया, लेकिन ये गाड़ी जो है सड़क पे नहीं है। बिहार में जो है पटना में सगुना मोड़ पे चले जाइए, वहाँ पे जो है जो पुलिस थाना जो है गाड़ियों को पकड़ती है तो वो सड़क पे ही छोड़ देती है, या किसी भी थाने में, उस थाने का अपना प्रॉपर यार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर यार्ड है जयपुर में थाने में, और हर एक थाने के पास अपना प्रॉपर यार्ड होना चाहिए जहाँ पे वो गाड़ी डाल सके। अब कमाल की बात ये है कि आम आदमी गलती करे तो उसकी गाड़ियों को पुलिस पकड़ लेता है। देखिए पकड़ के जो है अंदर डाल दिया है आम आदमी की गाड़ी को, वो चाहे ट्रक हो, बस हो, या जो भी चीज़ हो। ये पुलिस चौकी का जो यार्ड है वहाँ पर ठेकेदार ने एक नाला बनाया है। पॉजिटिव चीज़ें मैंने बता दिया, निगेटिव चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठेकेदार ने ये नाला बनाया, देख सकते हैं, और ये नाला जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, देख सकते हैं। तो ये जो पुलिस चौकी वाले या थाने वाले जो पुलिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को पकड़ने के लिए, उन्हें पनिश करने के लिए क्यों होते हैं? ऐसे ऐसे ठेकेदारों को पकड़ के ऐसे ऐसे कबाड़खाने में क्यों नहीं डाल दिया जाता है जो ठेकेदार इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं? इसको ढक दिया गया। हालांकि नाला पुराना होगा, और अभी इसी साल जो है भाजपा की सरकार यहाँ पर आई है। ऐसे पिछले साल जो चुनाव हुआ था वो यहाँ पर भाजपा की सरकार यहाँ पर आई है, ये देख सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अगर जहाँ गलत दिखे वहाँ पे हम लोगों को दिखाना चाहिए। और यहाँ पे भी जो ये पुलिस चौकी का बोर्ड है ये प्रॉपर जो है एंकर होना चाहिए था, इसको अच्छे ढंग से लगाना चाहिए था, ऐसे ही लाके यहाँ पे फेंक दिया गया है, ये चीज़ है। लेकिन इस पुलिस चौकी के बोर्ड से और इस यार्ड से जो है एक अच्छी बात ये है कि इस प्रकार का यार्ड जो है हर एक पुलिस थाने के पास होना चाहिए, हर एक पुलिस थाने के पास, ताकि वो गाड़ियों को जब पकड़े तो गाड़ियों को सड़क पे ना खड़ा करके अंदर यार्ड के अंदर डाल दे, ये देख सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन थानों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि ज़रा सोचिए कि आपका थाना का जहाँ पे यार्ड है, जहाँ पे आम आदमी की गाड़ियों को जब्त करके डाल दिया जाता है, उसी थाने के यार्ड के बगल में एक नाला बना हुआ है और जहाँ पे ठेकेदार चूना लगा दिया। अभी फरवरी महीना है, देश का बजट पेश हो गया है और राजस्थान का भी बजट पेश होने वाला है, तो ये बजट जो है आम आदमी का गड़बड़ हो जाता है, नेताओं का और भ्रष्ट लोगों का गड़बड़ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जीता जागता ये उदाहरण। तो अपने देश के पुलिस वालों को ये अधिकार भी देना चाहिए कि अगर कहीं भ्रष्टाचार पुलिस वाले देखे, थाने वाले देखे, जैसे सड़क पे कोई मोटरसाइकिल ओवर स्पीडिंग करता है, गलत चलाता है, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो अगर उसके थाना क्षेत्र में कोई सड़क बन रहा है, कोई भी सड़क बन रहा है उसके थाना क्षेत्र में, तो वो जो है गलत बन रहा है तो वो ठेकेदार से सवाल कर सके, वो ठेकेदार से पूछ सके कि क्यों बना रहे हो भाई गलत, क्यों ऐसा गलत बनाओगे तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर जो है भ्रष्टाचार वाला सेक्शन लगा के जो है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये तो भ्रष्टाचार का ही ना भेंट चढ़ गया। अब बताइए जिस नाले में शहर का पानी जाना चाहिए, चलिए ये शहर के पानी के लिए नहीं होगा, अगर सड़क के पानी के लिए होगा, रेन वाटर के लिए होगा, बारिश के समय में रेन वाटर अगर इसमें आता है तो भी ये सही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें सही है, इस प्रकार का यार्ड जो है बिहार के हर एक पुलिस चौकी के पास होना चाहिए, हर एक थाने के पास होना चाहिए, ताकि बिहार में अक्सर आप लोग देखते होंगे, सगुना मोड़ पे भी देख लीजिए आप लोग, या बहुत सारे थाने में मैंने जा के वीडियो बनाया जहाँ पे पुलिस वाले जो है गाड़ियों को पकड़ते हैं, सीज करते हैं और सड़क पर ही छोड़ देते हैं, वो चाहे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जो भी हो, सड़क पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है यार्ड है, देखिए 3 मंजिल 4 मंजिल जो भी गाड़ियों को रखा गया है वहाँ पर, ट्रक के ऊपर जो है मारुति की कोई गाड़ी है, उसके ऊपर बुलेरो है, उसके ऊपर टेम्पो है, सब कुछ ऐसे सेट करके रखा गया है, लेकिन अंदर रखा गया है जिससे जो है एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। और बिहार में सड़कों पर रख दिया जाता है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, मतलब बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, यहाँ पर भी सरकार है। तो एक दूसरे से सीखना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसे बताना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे, मैंने बताया जयपुर में हूँ मैं, ये चीज़ें मुझे गलत लगी, मैंने ये चीज़ों को भी दिखाया।
बाकी आप लोग इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं? पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ हेलमेट वाले को पकड़ती है, दारू पी के सड़कों पर चलते हैं उनको पकड़ती है, ऐसे ठेकेदारों को क्यों नहीं पकड़ती है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रकार का यार्ड जो है वो बिहार के थानों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और देश के किसी भी कोने में हम लोग रहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको हम लोग दिखाएंगे। बाकी इस देश के नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम पत्रकार हैं, हमें गलतियाँ दिखेगी तो हम दिखाएंगे, हमें अच्छाइयाँ दिखेगी तो हमें दिखाएंगे, कम से कम हमें बेवजह फंसाया ना जाए, हमें बेवजह परेशान ना किया जाए। अगर मुझे यूट्यूबर भी मानते हैं तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ, तो कम से कम हमें हमारे ऊपर जो है बेवजह NSA लगा के जो है जेल में ना डाला जाए। जय हिंद।